Hello students, I love you warmly welcome in this YouTube channel. Students, nowadays we are reading the story The Third Label, and it's first video all of you have gone through where हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो चार्ली जो प्रोटैगनिस्ट है वो थर्ड लेवल पे पहुंचता है और क्या क्या डिफरेंसेस अभी तक वहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें मोस्टली एवरीथिंग वॉज सेम एज द सेकेंड लेवल, बट वहाँ पे अंदर थर्ड लेवल कुछ एक डिफरेंसेस थे, जैसे कि जो रूम थे वो थोड़ा सा सेकेंड लेवल के कंपैरिजन में छोटे साइज के थे, टिकट विंडोज कम थी, ट्रेन के गेट्स देयर वर फोर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, ट्रेन के गेट्स भी कम थे उस थर्ड लेवल पे, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ सेंटर में था वो दैट वाज मेड ऑफ वुड एंड इट वाज ओल्ड लुकिंग, आज की तरह का नया तरह का नहीं था, लकड़ी का बना हुआ था इंफॉर्मेशन बूथ, और जो द मैन हु वाज सिटिंग इनसाइड द बूथ इंफॉर्मेशन बूथ ही वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर्स. And the most startling fact that was there, जो वहाँ दिखाई पड़ा वो था the light arrangement of that level. उस level पे जो light का arrangement था वो अलग था, क्योंकि अभी 20th century में तो ट्यूब लाइट्स या बल्ब से रोशनी होती है, लेकिन वहाँ पे जो रोशनी थी वो डिम लाइट थी एंड इट वॉज ओपन फ्लेम गैस लाइट्स के माध्यम से वहाँ पे पूछनी थी. लेट अस स्टार्ट द टुडेज क्लास फ्रॉम पेज नंबर 4 वेरी बिगिनिंग. देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माय आईज. सो Charlie could see brass spittoons everywhere when suddenly a glimpse of light caught his eye and saw a man. Okay, वहाँ पे हर जगह brass के बने हुए spittoons. Spittoons brass के बने होते हैं, a metal or earthenware होते हैं, pot होते हैं. इसमें having a funnel shaped top used for spitting into. अभी तो spittoons ख़त्म हो गए हैं हर जगह से, नहीं तो पहले हर जगह जो है हर एक ऑफिस में एक स्पिटोन्स हुआ करते थे. तो ब्रास स्पिटोन्स उसने देखा एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माय आई. एंड क्या देखा उसने, अ मैन वाज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट. सो व्हेन सडनली अ ग्लिम्स ऑफ लाइट कॉट हिज आई एंड ही सॉ अ मैन पुलिंग हिज गोल्ड वॉच फ्रॉम द वेस्ट. उसने देखा कि अब वो अब एक आदमी जो है अपने वेस्ट से एक गोल्ड वॉच निकाल रहा था. ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रोन्ड. उसने कवर को स्नैप ओपन किया और वॉच की ओर देखा और थोड़ा सा फ्रोन किया. ही वोर अ डियरबाई हैट एंड ब्लैक फोर बटन सूट बिटिनी लैपल्स एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मोस्टैच. सो उसने उस आदमी की ओर देखा, ही वॉज ड्रेस्ड इन एन ओल्ड फैशन स्टाइल. ये जो भी बता रहा है, चाहे वो डियर बाई हैट हो, ब्लैक फोर बटन सूट हो, लैपल्स हो और वो मोस्टैच, दिस ऑल थिंग इज ओल्ड फैशन स्टाइल. And suddenly, then I looked around. After that, Charlie ने अपने चारों ओर देखा. I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. उसने अपने चारों ओर देखा और देखा कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब के सब 1890 के आसपास के ड्रेसिंग स्टाइल में ड्रेस्ड अप हैं. I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. Okay, it was basically the time before deadly wars. So many beards and fancy mustaches all around.
ही हैड नॉट सीन देम थ्रॉट हिज लाइफ. इतने ढेर सारा जो है लोग, इतने ढेर सारे जो है दाढ़ी वाले लोग, साइड बर्न्स के लोग, या फिर फैंसी मुस्टैच वाले लोग को उसने लाइफ में नहीं देखा था. अ वूमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट. ओके, सो ही सॉ अ वूमन हु वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट. उसने जो है देखा कि एक ट्रेन गेट्स के अंदर से एक लेडी बाहर आई. शी वोर अ ड्रेस विथ अ लेग अप मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट विद टॉप ऑफ हाई बटन शूज. ओके, उसने जो है उसकी जो ड्रेसिंग स्टाइल थी, लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट विद टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव विद अ फनेल शेप्ड ट्रैक. एंड देन आई न्यू द ऑथर वॉज एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ही इवन सा अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव विच मेड हिम श्योर अबाउट विच टाइम ही इज इन. क्योंकि अभी उसको बिल्कुल हो गया था कि वो मॉडर्न टाइम में तो नहीं है, मॉडर्न एरा में नहीं है. टू मेक श्योर आई वॉक ओवर टू अ न्यूज बॉय एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट. टू वैलिडेट हिज सस्पिशन ही वेंट ओवर टू द न्यूज पेपर बॉय हु वॉज सेलिंग द वर्ल्ड. अपनी सस्पिशन को वैलिडेट करने के लिए वो न्यूज पेपर बॉय की तरफ गया. वहां पे एक लड़के के पैर के पास जो है न्यूज़पेपर का स्टैक था. इट वॉज द वर्ल्ड. देखा वहां पे न्यूज़पेपर कौन सा था. इट वॉज द वर्ल्ड. जो पेपर था वो द वर्ल्ड था. एंड द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर इयर्स. एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जब ये गया था उस समय जो वर्ल्ड न्यूज़पेपर है वो कई सालों पहले ही पब्लिश होना बंद हो गया था. द लेड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड. जो लीड स्टोरी थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी. आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड June 11, 1894. टू गेट अ प्रॉपर आइडिया ही वेंट टू वेरियस लाइब्रेरीज वेरियस एंड ओवर देयर ही फाउंड कि ऐसी न्यूज 11 जून 1894 को पब्लिश हुई थी. सो दिस न्यूज़पेपर द वर्ल्ड विच वॉज डिसकंटिन्यूड एवरी ईयर्स अगो, देयर वर सम हेडलाइंस अबाउट देन अबाउट देन प्रेसिडेंट क्लीवलैंड. द डेट ऑन द फ्रंट पेज वॉज ऑल्सो 11 जून 1894. ही वॉज नाउ श्योर. अभी वो श्योर हो गया था. आई टर्न टूअर्ड द टिकट विंडोज नोइंग दैट इमिडिएटली आई टर्न टूअर्ड द टिकट विंडोज नोइंग दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल आई कुड बाय टिकट्स दैट कुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द US वी वांटेड टू गो इन द ईयर 1894. So immediately he went to the ticket window to get the tickets for Gallisburg, organized for him and his wife. And I wanted two tickets to Gallisburg, Illinois. It was a wonderful town with a lot of greenery. Okay, so he went over there and purchased a ticket for Gallisburg, Illinois. Two tickets, one for himself and another for his wife. Have you ever been there? यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट हम सब से एक क्वेश्चन करता है कि क्या आप कभी वहाँ पे गए हैं. It's a wonderful town still with big old frame houses. Author says that it's very wonderful town. मतलब ये बहुत ही wonderful town है.
So, it's a wonderful town still, with big old frame houses. अभी भी एक wonderful town है. Old, big old frame houses, huge lawns, बड़े बड़े lawns and tremendous trees, बड़े बड़े पेड़ whose branches meet overhead and roof the streets. And in 1894 में summer evenings were twice as long. समर की जो इवनिंग थी वो आज की जितनी लंबी होती है उससे दुगनी लंबी हुआ करती थी. वहां पे लोग लॉन्स में बैठा करते थे. द मेन वहीं पे, द मेन स्मोकिंग सिगार्स एंड टेकिंग क्वाइटली, द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड इन अ पीसफुल वर्ल्ड. रियली दैट वॉज अ वेरी पीसफुल प्लेस. टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज स्टिल 20 ईयर्स ऑफ एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर. I wanted two tickets for that. अभी 1894 में वापस जाने का मतलब है कि अभी उस समय भी जो वर्ल्ड के दो वर्ल्ड वार्स हुए वो भी होने बाकी थे. कि फर्स्ट वर्ल्ड वार अभी 20 साल बाद होगा और वर्ल्ड वार सेकेंड तो भी 40 ईयर्स बाद होगा फ्यूचर में. So, I wanted two tickets for that. जो प्रोटैगनिस्ट है वो वहां के लिए दो टिकट चाहता है. ओके, बहुत ही सुंदर ढंग से डिस्क्राइब किया. एंड रियली इन 1894 आज की तरह की कोई भी टेंशन उस समय नहीं थी. So he went to the ticket window. The clerk figured the fare. He glanced at my fancy headband. As the clerk calculated the fare, he looked at Charlie's fancy headband. जब क्लर्क ने कैलकुलेट किया फेयर कितना होगा तो चार्ली के फैंसी हेडबैंड को देखा उसने. ओके, बट ही फिगर द फेयर, लेकिन उसने फेयर को भी फिगर आउट किया. एंड आई हैड एनफ फॉर टू कोच टिकट्स वन वे. एंड चार्ली कहता है कि उसके पास सफिशियंट पैसा था टू कोच टिकट्स के लिए एक तरफ का. बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, बट व्हेन चार्ली वॉज काउंटिंग अप द मनी ही लुक्ड अप and found that the clerk was staring at me. उसने देखा कि जो क्लर्क है वो उसकी ओर घूर रहा था. Okay. The clerk was staring at Charlie. He nodded at the bills that Aunt Murray missed her. He was not looking at me. He was looking at the currency that I was counting. मैं जिस करेंसी को काउंट कर रहा था वो उसकी ओर देख रहा था. उसने कहा, मिस्टर ये मनी नहीं है. ओके, ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि करेंसी 1894 की करेंसी कुछ और थी और अभी जिस समय पोएट था 20th सेंचुरी, जबकि टू वर्ल्ड वार हो चुके हैं अराउंड 1950 के आसपास, जो करेंसी है वो चेंज हो गई थी. द क्लर्क इन्फॉर्म्ड हिम दैट दिस इज नॉट द एक्सेप्टेबल लीगल टेंडर एंड बाय वन बाय चांस इफ यू ट्राई टू बी स्मार्ट सो एंड इफ यू वर ट्राइंग टू स्किन मी यू वुड गेट वेरी फार. And he's told that by any chance if he tried to be smart he wouldn't be able to get away with it. कहा कि अगर चलाकी करने का प्रयास करोगे, हमें धोखा देने का प्रयास करोगे तो यहां से निकल नहीं पाओगे. And he glanced at the cash drawer beside him. उसने उसके बगल में जो कैश ड्रॉर था उसकी ओर देखा. Of course the money was old style bills.
चार्ली ने देखा कि वहां जो पैसा उसमें रखा था वो तो ओल्ड स्टाइल के बिल्स थे, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउडेज एंड डिफरेंट लुकिंग। जिस तरह के पैसे हम लोग अभी यूज करते हैं उससे एकदम डिफरेंट था मनी। आई टर्न अवे एंड गॉट आर फर्स्ट। तो मैं समझ गया कि अभी जो करेंसी उसके पास है उस करेंसी से वो जो है ये टिकट नहीं खरीद सकता। ओके, द करेंसी वॉज डिफरेंट। ओके, सो चार्ली क्या किया, चार्ली मुड़ा और वहाँ से तेज चल दिया। देर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, क्योंकि जेल तो जेल होती है, चाहे 1894 की जेल हो और चाहे आज की जेल हो। तो 1894 के भी जेल में कोई अच्छा नहीं है, और ये सिंपल सी बात है, अगर आप फेक करेंसी दोगे तो, और जो करेंसी आज चलती है वो उस समय की तो फेक करेंसी थी ही। एंड दैट वॉज दैट, एंड दैट वॉज दैट। आई लिव द सेम वे द डे एंड एंडेड आफ्टर ही केम आउट। और उसके साथ जो डे था वो एंड अप हो गया। आई लिव द सेम वे आई केम, जिस रास्ते से जो चार्ली है वो अंदर गया था उसी रास्ते को फॉलो करता हुआ वो बाहर आ गया, आई सपोज। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली वेल ऑल वी हैड। जो नेक्स्ट डे लंच आवर में उसके बैंक में जितना पैसा था लगभग $300 पूरा उसने अपने बैंक से निकाला, नियरली ऑल वी हैड, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड अबाउट वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। यद्यपि मैंने बताया अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को तो वो काफ़ी वरी हो गया, लेकिन उसने उसको बताया कि पूरा पैसा उसके बदले में क्या किया, उसने ओल्ड करेंसी खरीद लिया। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। भाई आप ओल्ड करेंसी जहाँ चाहो वहाँ से कर सकते हो, लेकिन सिंपल सी बात है आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो $300 के स्थान पे उसको $200 ही मिले ओल्ड स्टाइल बिल्स के। बट आई डिड नॉट केयर, बट चार्ली डिड नॉट केयर अबाउट कि $100 का लॉस हो रहा है, क्योंकि एक्स बर्थ 13 सेंट्स डजन इन 1894, क्योंकि अगर वो 1894 में जा रहा है तो वहां तो सामान सस्ता भी होगा ना। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल दो आई हैव ट्राइड ऑफ एनफ। द चार्ली ट्राइड टू फाइंड दैट कॉरिडोर अगेन दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, बट ही नेवर फाउंड आउट। उस दिन के बाद से वो डेली कई बार प्रयास किया उस रास्ते को, उस कॉरिडोर को खोजने का, कि उसको वापस वो रास्ता मिल जाए जिससे कि वो पहुंच जाए थर्ड लेवल पे, लेकिन उसे वो रास्ता नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है। लुइसा वॉज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। जब मैंने जब प्रोटेगनिस्ट ने इन सब बातों इन सब के बारे में अपनी वाइफ लुइसा को बताया तो वो थोड़ा सा वरीड हो गई। अनफॉर्चुनेटली ही कुड नेवर फाइंड द वे, ऑल राइट। ओके, हिज वाइफ लुइसा वाज प्रेटी वरीड व्हेन शी गॉट टू नो अबाउट इट ऑल। आफ्टर अ व्हाइल ही वेंट बैक टू फाइंडिंग डिस्ट्रैक्शंस विद द हेल्प ऑफ स्टैम्प्स। ओके, सो जब वो उसको कई बार प्रयास करने के बाद भी उसको वो कॉरिडोर नहीं मिला तो उसने उसको खोजना बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, और वापस अपने स्टैम्प कलेक्शन की ओर फोकस करना शुरू कर दिया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, बट नाउ वी बोथ आर लुकिंग फॉर दैट। ओके, ऑलवेज समहाउ सैम अभी हम दोनों खोज रहे हैं उस रास्ते के बारे में, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि अभी हमारे पास प्रूफ है कि भाई थर्ड लेवल है। बट आई बट माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपीयर्ड।
जो आर्थर का फ्रेंड है, साइकेटिस्ट फ्रेंड सैम, वो एक ही समहाउ सैम द साइकेटिस्ट डिसअपीयर्ड आउट ऑफ द ब्लू. नोबडी न्यू वेयर, किसी को नहीं पता कहाँ गया वो. बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम इज अ सिटी बॉय एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गैलसबर्ग. आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक दिस साउंड ऑफ द प्लेस एंड दैट इज वेयर ही इज ऑल राइट इन 1994. मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी को पता नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा आइडिया लग रहा था क्योंकि मैंने उसको गैलसबर्ग के बारे में बताया था कि 1894 में कैसा था वो स्थान. वो काफ़ी इंटरेस्टेड था वहाँ जाने के लिए. इसलिए इसको लगता है, ऑथर को लगता है कि निश्चित तौर से सैम और कहीं नहीं गया बल्कि गैलसबर्ग चला गया है, वो भी 1894 के. बिकॉज वन नाइट फ्यूजिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, वेल डू नो वट इज द फर्स्ट टेक कवर इज, क्यों? बिकॉज वन नाइट चार्ली केम अक्रॉस अ फर्स्ट डे कवर. एक रात क्या हुआ, चार्ली के सामने एक फर्स्ट डे कवर आया. इट इज इन एन एनवेलप. पहले पता है कि क्या होता है फर्स्ट डे कवर, क्या होता है? Do you know what a first day cover is? When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves in the very first day of sale. जब कभी भी कोई नया जो है stamp issue होता है, उसी दिन जो stamp collectors होते हैं वो उसको जो है एक नया वो stamp खरीदते हैं और उसको एक envelope में पेस्ट करके अपने खुद के एड्रेस पे मेल करते हैं. एंड द पोस्टमार्क प्रूव्स द डेट, और जो उस पे पोस्टमार्क लगाया जाता है उससे डेट प्रूव हो जाती है. द एनवेलप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर, और ऐसे एनवेलप को हम फर्स्ट डे कवर कहते हैं. दे आर नेवर ओपन, उनको कभी हम खोलते नहीं हैं. यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप. आप उस एनवेलप में खाली एक ब्लैंक पेपर रख देते हो. तो उस रात क्या हुआ था, दैट नाइट एमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, जो ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स थे, आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर. मुझे एक फर्स्ट डे कवर ऐसा मिला जो कि वहां पे नहीं होना चाहिए था. But there it was, लेकिन वहां पे था. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Gillesburg. वो वहां पे था, क्यों था? क्योंकि किसी ने उसे मेरे grandfather के address पे Gillesburg में उनके घर पे भेजा था. Someone had mailed it to his father, grandfather at his home at Gillesburg as he saw from the address on the envelope. Okay, that is what the address on the envelope said. जो एनवेलप पे लिखा हुआ एड्रेस है वो यही कहता है. एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और वहां पे आज से नहीं, 18 जुलाई 1894 से है. द पोस्टमार्क सोल्ड दैट, ये बात एटलीस्ट जो पोस्टमार्क है, द पोस्टमार्क सोल्ड दैट इट हैड बीन सिंस देयर सिंस जुलाई 1894. The postmark showed that. Yet I did not remember it at all. जो author है, जो protagonist है, वो उसको याद नहीं है कुछ के बारे में. The stamp was 6 cent. The stamp की price थी वो 6 cent की थी, dull brown color, with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, इट वेंट राइट इन टू द कलेक्शन एंड स्टेट देयर. नेचुरल सी बात थी कि जब एनवेलप ग्रैंडडैड के मेल पे आया तो वो उनके कलेक्शन में चला गया और वहीं पे था वो. टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन्ड इट, और जब तक कि वो वहां पर था, मैंने खोला उसको. द पेपर इन साइड वॉज नॉट ब्लैंक. वैसे जितने भी फर्स्ट डे कवर होते उनमें जो पेपर डाला जाता है वो जो है ब्लैंक होता है, लेकिन यहां पर जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था.
उसमें कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? 941 विलियर स्ट्रीट, गैलेसबर्ग, इलिनॉइस, July 18, 1894। चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, एंड चार्ली इट इज ट्रू। I found a third label. I have been here 2 weeks and right now down the street at the Dallas. Someone is playing a piano and they are all out on the front porch singing, seeing Nelly home. And I am invited over for lemonade. Come on back. Charlie and Louisa, keep looking till you find the third label. It's worth it. Believe me. So this was the note that was given over there. इसमें नीचे the note is signed Sam. नीचे Sam की signature थी। आप देख सकते हो कि इसके मुताबिक ये लिखा गया है, Sam ने लिखा है कि तुम सही थे, मुझे विश्वास हो गया था कि तुम सही थे, Charlie सही है, third label exist करता है, मैं यहाँ पर हूँ, और फिर वहाँ के बारे में वो डिस्क्रिप्शन देता है। एट द स्टैम्प एंड सो एट द स्टैम्प एंड क्वाइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। As you can see, the letter had been signed off as Sam. Charlie found out from the coin store that he used to visit that Sam had bought old currency worth $800. वो गया उन करेंसी, ओल्ड करेंसी के शॉप्स पे, और वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली कि सैम $800 के ओल्ड स्टाइल करेंसी इसने परचेज किए थे। That ought to set him up in a nice little hay, feed and grain business, which was to be utilized in a hay, feed and grain business, which is what he always wished to do. वहाँ पे वो क्या करने वाला था, भूसे का और feed और grain business open करना चाहता था, क्योंकि वो उसकी शुरुआत से यही इच्छा थी कि वहाँ जाएगा तो यही business शुरू करेगा। और ये $800 काफ़ी थे उसके इस बिजनेस को वहाँ शुरू करने के लिए। एंड सर्टेनली कैंट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, क्योंकि निश्चित सी बात है वहाँ पे तो वो साइकेटिस्ट की रिक्वायरमेंट थी नहीं, साइकेटिस्ट की नीड तो उसमें होती नहीं थी। नॉट इन गैलेसबर्ग इलिनॉइस इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस, वाई सैम वॉज माई साइकेटिस्ट, क्योंकि सैम तो साइकेटिस्ट था ना, तो वो वहाँ पे 1894 में गैलेसबर्ग में अपनी ओल्ड बिजनेस में नहीं आ सकता था। दैट इज व्हाई ही हैज प्लान टू गो इन दिस बिजनेस। एंड स्टूडेंट्स, इन दिस वे आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस स्टोरी, प्लीज गो थ्रू इट एंड कंप्लीट ऑल द वर्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।